क्या बोले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था यार, ना हमने किसी का कुछ किया। और अमित भाई आपको पता है यार, उन्होंने आज तक किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी परेशान नहीं किया ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस समय एक बुरी खबर आ रही है, जो कि भाई अमित शर्मा क्रेजी एक्स वाई जेड के ओनर, उनको सांप ने बाइट कर लिया है, कोबरा सांप ने। तो आपने न्यूज़ देख ली होगी, क्योंकि उनके चैनल पे अपलोड कर दिए उनके टीम मेंबर्स ने। उनको कल कोई सफाई कर रहे थे, उस टाइम उनको अचानक से उनको ध्यान नहीं रहा और उनको अचानक से सांप ने बाइट कर लिया। आप भी समझ सकते हैं, कोबरा ने बाइट किया तो काफ़ी जहरीला सांप है। अभी सबसे सेफ बात यह है कि उनको एंटीविनोम मिल गया था, जिससे वो अभी खतरे से बाहर हैं। और आप वीडियो देख लीजिए जो उनके साथियों ने अपलोड की थी, उनके टीम मेंबर्स ने। तो आप फिलहाल वीडियो देखिए। आप क्या बोले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था यार, ना हमने किसी का कुछ किया। और अमित भाई आपको पता है यार, उन्होंने आज तक किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी परेशान नहीं किया ना। गाइस जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है भाई, जितनी भी आप दुआ कर सकते हो भगवान से, उतनी दुआ करो यार। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको स्नैक बाइट हुआ है और भाई खून देख के मतलब हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। इतने सांप बचाए यार हमने, इतने रेस्क्यू किए और पता नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। अभी वो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग उनके साथ हैं और हम लोग जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं भाई, आप जितनी दुआ कर सकते हो, जितनी दुआ कर सकते हो उतनी दुआ करो, दुआ करो कि वो जल्द से ठीक हो जाए, जल्द से यार। अभी फिलहाल दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मिस्टर इंडियन हैकर, जिन्होंने भाई क्रेजी एक्स वाई जेड अमित शर्मा के फैमिली मेंबर्स से मिलके आए हैं वो, और उन्होंने हमें एक सुखद समाचार सुनाया है कि अभी भाई खतरे से बाहर हैं। तो ज्यादा मुसीबत में, तो गाइस यार मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी टीम अभी अभी उनके घर वालों से मिलके आ रहे हैं, साथ साथ मेरी अमित भाई से फोन पे भी बात हो गई है। तो अब ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, अमित भाई अभी खतरे से बाहर है। जी हां गाइस, मेरी उनके एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी फेक वीडियोस ना बनाए और सभी दुआ करें कि भाई जल्दी से जल्दी सही होकर हॉस्पिटल से घर लौटे और घर आकर फिर अपने लिए उसी तरीके से जो उसी अंदाज में पहले वीडियो बनाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसी अंदाज में नई अभी वीडियो अपलोड करें और जल्दी से जल्दी अपने लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। काफ़ी नाइस बंदे थे, मैंने भी उनसे जब जयपुर में मीटअप था तो उनसे मुलाकात हुई थी मेरी भी। तो मैं भी अपनी तरफ से दुआ करूँगा भगवान से कि जल्दी से जल्दी भाई स्वस्थ होकर अपने बीच में जल्दी से जल्दी लौटे। तो आप भी सभी दुआ करना और कोई भी गलत वीडियो ना बनाए, क्योंकि भाई इस टाइम सेफ जोन में है, खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी थोड़े हॉस्पिटलाइज हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत वीडियो ना बनाए और दुआ करे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और YouTube कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई भी भ्रमित ना हो और गलत वीडियो ना फैलाए।